भाई आप तो अपनी वाली से बेहद प्यार करते हो, इतना तो मुझे पता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वो आपसे प्यार करती है या नहीं, ताकि जब भी आप अगली बार उसको प्रपोज करो तो वो हाँ ही करे, क्योंकि एक दो बार तो आप विफल हो ही गए होगे। उसने कहा होगा चलो दोस्त बन जाते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि लड़की आपको प्यार करती है और इस बार वो हाँ भी करेगी। अगर वो आपको चाहती होगी तो दो काम जरूर करेगी। पहला कि लड़की आपको अपने फैमिली से और अपने फ्रेंड से जरूर मिलवाएगी, उनसे आपका इंट्रो करवाएगी, और इंट्रो भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसे करवाएगी जैसे आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, और तो और उनकी सारी बातें आपसे शेयर करेगी कि पता है कल मेरे फ्रेंड्स में ना ये हो गया, कल ना उसने उसको पटा लिया, कल ना उसने उसको भड़का दिया, फिर उसने उसको छोड़ दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। घर वालों की भी बातें बताएगी कि कल पता है क्या हुआ, मेरे भाई ने मेरा टेम्पर तोड़ दिया, उसके बाद पापा ने मुझे ही डांटा, यार ये कोई बात होती है क्या, कल पता है क्या हुआ, मम्मी ने ना ये बनाया था बहुत टेस्टी था यार, कल पता है क्या हुआ, मम्मी पापा में ना लड़ाई हो गई, मतलब ऐसी ऐसी बातें करेगी कि तुम भी सोचोगे भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या बता रही है। वो आपको इसलिए बता रही है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, वो आपका रिएक्शन जानना चाहती है। और लड़की उनको भी आपकी बातें बताएगी कि पता है मेरा एक ना दोस्त है, वो ना बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूं, हम दोनों की ना खूब जमती है, सब लोग बोलते हैं कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ताकि सब लोग कहें कि ओ क्या बात है, फिर लड़की ब्लश करे, भाई वो यही चाहती है, इसीलिए वो आपके बारे में उनको बताती है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है मेरे भाई। दूसरा काम वो करेगी कि लड़की आपसे बार बार पूछेगी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आप दुकान में जाते हो और दुकानदार से पूछते हो कि भैया चीनी है क्या, इसका मैं क्या मतलब समझूं, मतलब तुम एम आई तो पूछोगे नहीं कि भैया चीनी है और तुम निकल जाओ, भैया तुम्हें चीनी चाहिए होगी तभी तो पूछ रहे हो। तो यहाँ पर लड़की आपसे इसीलिए पूछ रही है कि तुम सिंगल हो या नहीं हो, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, क्योंकि लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। एक चीज याद रखना कि जब भी लड़की ऐसा पूछे ना तो लड़की को ये मत कहना कि यार मैं तो जन्मजात सिंगल हूँ, मुझसे तो कोई पटी नहीं, लड़की भी सोचेगी है ही ऐसा खराब मटेरियल है कौन लेगा, चलो हटाओ। लड़की को उल्टा ये बताओ कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत प्यारी थी, हम दोनों की खूब जमती थी, हम ऐसी बातें करते थे वैसी बातें करते थे, और अगर सच में थी तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स गिनाओ कि पता है एक बार हम यहाँ गए थे फिर हमने ये किया था, एक बार हम वहां गए थे तो ये हुआ था, क्यूट क्यूट बातें बताओ, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स याद दिलाओ, ऐसा इसलिए कि लड़की को ये लगे कि यार ये तो बहुत रोमांटिक पर्सन है, ये तो बहुत अच्छा है, काश मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। लड़की इन्हीं मोमेंट्स को जीने के लिए आपको हाँ कर देगी। अब हाँ कर देगी तो कहां तुम लव जेम्स को याद करोगे, तब तो भूल ही जाओगे ना, फिर कहां लव जेम्स कौन था क्या लेना देना नहीं। सुनो नीचे लाइक का बटन दबाओ अभी नीचे, तुम निकलो मत ऐसे, और सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई ताकि आप हमें ना भूल पाओ, और बगल वाली घंटी दबा देना ताकि जब भी आप गर्लफ्रेंड से बातें कर सको तो हमारा नोटिफिकेशन आ जाए और तुम समझ जाओ कि हाँ इस बंदे की वजह से गर्लफ्रेंड आई है। सुन रहे हो ना, मतलब मजाक थोड़ी करता हूँ यार।